अभी हम जवाई डैम्स पे आए हैं. जी हाँ, जवाई डैम्स पे आए हैं. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लोकेशन. यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट. क्योंकि मुझे नहीं पता था इतने ब्यूटिफुल लोकेशंस हो सकते हैं राजस्थान के अंदर. मैंने कभी नहीं सोचा था आई हैव टू एक्सप्लोर राजस्थान. बट इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लोकेशन. सो आई एम गोइंग टू बी टर्निंग द कैमरा और आप लोग ये लोकेशंस देखना. दिस इज द लोकेशन दैट आई एम एट, जवाई डैम. This is the location. You can see. It's beautiful. It's amazing. ऐसी beautiful locations के बावजूद हम लोग विदेश भागते हैं. Can you see it? Can you imagine? इतनी beautiful locations हैं. मतलब आप समझिए, इतनी beautiful locations होने के बावजूद हम लोग विदेश क्यों भागते हैं? भारत के अंदर हम लोग क्यों नहीं अपनी डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करते? क्यों हम अभी भी स्लेवरी वाली मानसिकता रखते हैं, जहाँ पर वी लाइक टू बी स्लेव्स? अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ भारत पर आए क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी. एज सिंपल एज दैट. एंड दे वांटेड टू कॉन्कर अस एंड ऑब्वियसली ब्रेन वॉश अस. दे वेंट अवे, मगर उन्होंने हमें ब्रेन वॉश ज़रूर किया. अभी भी हम हमारे देश के पार्ट्स को नहीं जानते. मैं नहीं जानती थी अबाउट दिस प्लेस, बेरा, जवाई, मेरे को नहीं पता था. बट अभी मुझे पता चल रहा है. एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव कम हियर. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सो दैट यू ऑल कैन सी एंड यू ऑल कैन ऑल्सो कम हियर व्हेनेवर यू कम टू राजस्थान. और अहमदाबाद, गुजरात से भी लोग आ सकते हैं. ये वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है. हम यहाँ पर आ चुके हैं एंड वी हैव एक्चुअली स्पॉटेड अ क्रोकोडाइल. अभी इतनी धूप है तो आई कॉन्ट गो देयर एंड फिगर दिस आउट, बट आई हैव सीन द क्रोकोडाइल इन द बाइनोकुलर्स. सो क्रोकोडाइल है एक्चुअली एंड मैंने खुद देखा है. एंड हम यहाँ पे ऑब्वियसली ये लोकेशन को भी देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए हैं. द लोकेशन इज़ अमेजिंग. आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पे शूटिंग करने, बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ ब्यूटिफुल लोकेशन लाइक दिस इन इंडिया. Any comments, Gaurav? No comments. I'm enjoying the place.